नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 में पर्यावरण का पाठ नंबर 5 फूल ही फूल पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आपने बाग में या घर में फूल देखे होंगे कि आप कितने रंग बिरंगे फूल यहाँ पे पाए जाते हैं। आप किसी बगीचे में जाते हो, वहाँ पे आप अलग अलग तरह के फूल देखते हो, अलग अलग रंगों के फूल देखते हो, अलग अलग उनकी खुशबू देखते हो। उसी प्रकार आज हम फूलों से संबंधित जानकारी आज प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आ गया फूलों से बातचीत। खुशी आज बहुत ही खुश थी क्योंकि आज वो अपने पापा के साथ बगीचे, यानी कि जिसका नाम था गुलाब बाग, मैं घूमने जा रही थी। उसने सोचा वहाँ जाने के लिए फूलों वाली फ्रॉक ही पहननी चाहिए। खुशी कहाँ जा रही थी? अपने पापा के साथ बगीचे में घूमने जा रही थी और उसने क्या सोचा कि वो बगीचे में जा रही है तो वह फूलों वाली फ्रॉक ही पहन के जानी उसको चाहिए। बगीचे में पहुँचते ही चारों तरफ फूल ही फूल देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब वह बगीचे में पहुंची तो उसने चारों तरफ फूल ही फूल देखे, जिसके कारण उसका मन जो है वो बहुत प्रसन्न हो गया। सबसे पहले वह गुलाब की क्यारी के पास गई और फूल से पूछा, तुम कौन हो? सबसे पहले उसने कौन सा फूल देखा? गुलाब का। ये देखो गुलाब के फूल का चित्र, आप अपनी कॉपी में ये चित्र सुंदर सुंदर बनाएंगे। तो गुलाब क्या बोलता है? मैं गुलाब हूँ, मेरा रंग गुलाबी है। जो गुलाब है उसका क्या रंग है? गुलाबी। उसका नाम क्या है? गुलाब। मैं खुशबू से भरपूर हूँ। आप देखोगे बच्चों कि जो गुलाब का फूल होता है उसमें बहुत सारी खुशबू होती है, तो ये बता रहे हैं कि मैं खुशबू से भरपूर हूँ। मेरी जो पंखुड़ियों से है इत्र वह गुलकंद बनता है। इत्र जो होता है उसकी जो पंखड़ियाँ होती है, गुलाब के फूल की जो पंखड़ियाँ होती हैं उससे क्या बनता है? इत्र बनता है और साथ में गुलकंद बनता है। तितली, भंवरे, मधुमक्खियाँ व कीट पतंगे मेरा रस चूस कर अपना पेट भरते हैं। इसका जो गुलाब का जो रस होता है कौन कौन? एक भंवरे, तितली, मधुमक्खियाँ व कीट पतंगे जो होते हैं वो रस चूसकर अपना पेट भरते हैं। खुशी उछल उछल कर गुलाब पर बैठी तितली के पीछे दौड़ पड़ी। तभी पीले फूलों की क्यारी देखकर वह रुक गई कि वह बहुत खुशी से उछलने लगी। फूलों को देखकर, गुलाब को देखकर वह बहुत खुशी से उछल रही थी कि तभी उसने आगे जाके पीले फूलों की क्यारी देखी कि ऐसे फूल देखे जहाँ पीले फूल लगे हुए थे। सूरजमुखी, वो फूल कौन सा था? सूरजमुखी, पीले रंग का फूल होता है। मेरा नाम सूरजमुखी है, जैसे जैसे सूरज आसमान में आगे बढ़ता है मेरी डाली उसी की तरफ मुड़ जाती है। सूरजमुखी यानी कि सूरज की तरफ इसका मुख होता है, जिस तरफ सूरज होगा उस तरफ इसका मुख होगा। जैसे जैसे सूरज घूमेगा इसका मुख भी घूमता जाता है, ये फूल घूमता जाता है, तभी इसका नाम क्या रखा हुआ है? सूरजमुखी। मेरा नाम सूरजमुखी है, जैसे जैसे सूरज आसमान में बढ़ता है मेरी डाली उसी की तरफ मुड़ जाती है और मेरा जो मुख है सूरज की ओर ही हो जाता है। मैं पीले रंग का हूँ, ये भी कह रहा है कि मैं कौन से रंग का हूँ? पीले रंग का। मैं कीट पतंगों का पेट भरता हूँ और मेरे बीजों से तेल बनता है। जो सूरजमुखी का फूल है वो पीले रंग का होता है और कीट पतंगे, जैसे गुलाब के फूल में बताया कि कीट पतंगे उसका रस चूसते हैं, ये भी कहता है कि मैं कीट पतंगों का पेट भरता हूँ और जो इसके बीज होते हैं सूरजमुखी के उससे तेल बनता है। फिर क्या कहती है आगे खुशी? अरे वाह, तुम बहुत ही सुंदर हो और सूर्य के साथ साथ मुड़ते भी हो। खुशी ने ये कहा, अच्छा सूरजमुखी, मैं आगे जाकर और फूलों से बात करती हूँ। और वह आगे बढ़ गई। यहाँ तक आपने कितने फूलों की बात की? दो फूलों की। गुलाब, जिसने कहा मैं गुलाब हूँ, मेरा रंग गुलाबी है, मैं खुशबू से भरपूर हूँ, मेरी पंखुड़ियों से इत्र व गुलकंद बनता है,
तितली, भंवरे, मधुमक्खियां व कीट पतंगे मेरा रस चूस कर अपना पेट भरते हैं, जिसको देखकर खुशी उछल उछल कर गुलाब पर बैठी जो तितली होती है उसके पीछे दौड़ती है। तभी पीले फूलों की क्यारी देखकर वह रुक जाती है। तो पीले फूल की जो क्यारी देखती है उसको पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो कौन सा फूल होता है? सूरजमुखी का। वह बताता है, मेरा नाम सूरजमुखी है। जैसे जैसे सूरज आसमान में आगे बढ़ता है, मेरी डाली उसी की तरफ मुड़ जाती है और मेरा जो मुख है वो सूरज की ओर हो जाता है। मैं पीले रंग का फूल हूँ, मैं कीट पतंगों का पेट भरता हूँ, मेरे बीजों से तेल बनता है। तो फिर खुशी कहती है, अरे वाह, तुम कितने सुंदर हो और सूर्य के साथ साथ मुड़ते भी हो। खुशी ने कहा, अच्छा सूरजमुखी, मैं आगे जाकर और फूलों से बात करती हूँ। वह आगे की तरफ बढ़ गई। तो ये दो फूल हमने पढ़े हैं, गुलाब और सूरजमुखी का। अब आगे पढ़ते हैं हम और फूलों के बारे में। खुशी देखती है कि अरे, ये पानी में कितने सुंदर फूल तैर रहे हैं। फूल फूल, तुम कौन हो? पानी में तैरने वाले फूल से उसने पूछा कि तुम कौन हो। एक तैरते हुए फूलों को उसने देखा तो उनके बारे में वह जानकारी प्राप्त करना चाहती है। तो वो कौन सा फूल है? कमल का। कमल, मैं कमल का फूल हूँ और पानी में खिलता हूँ। कमल का फूल किस में खिलता है? पानी में। मेरे पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं और मेरे डंठल व पुष्पासन से बहुत अच्छी सब्जी बनती है। जो इसके जो पत्ते होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इसकी जो डंठल होती है पुष्पासन, जिसको कहते वह पुष्पासन जो होता है उससे बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। अच्छा, मैंने तुम्हें अपने स्कूल में भी देखा है। तुम तो वही फूल हो ना जिस पर माँ सरस्वती विराजमान रहती है। तो बच्चों, माँ सरस्वती कौन से फूल पे विराजमान रहती है? कमल के फूल पर। हाँ, वही कमल का फूल हूँ जिस पर माँ सरस्वती विराजमान रहती है। और कमल का फूल मुस्कुरा पड़ा। देखो, ये कमल के फूल के बारे में क्या बताया है कि जब वो पानी में तैरते फूलों को देखती है तो उनसे पूछती है कि आप कौन से फूल हो? तो वो क्या कहता है कि मैं कमल हूँ, पानी में खिलता हूँ, मेरे पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे डंठल व पुष्पासन से बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो फिर वो कहती है कि अच्छा, मैंने तुम्हें अपने स्कूल में देखा है। तुम तो वही फूल हो जिस पर माँ सरस्वती विराजमान है। वही कमल का फूल जिस पर माँ सरस्वती विराजमान रहती है। और कमल का फूल जो है वो मुस्कुरा पड़ा। इसके आगे प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। गुलाबी रंग के दो फूलों के नाम लिखिए। ये प्रश्न उत्तर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। उसके बाद है जल में खिलने वाले फूलों के नाम, पीले रंग के दो फूलों के नाम, कौन कौन से फूल खाने के काम आते हैं, किन किन फूलों के बीजों से तेल निकलता है और किस फूल की पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है। ये चीज़ हमने देख ली है कि गुलाबी रंग के दो फूलों के नाम देख लो, कमल और गुलाब आएगा। लेकिन आप इसको अभी लिखोगे नहीं, ये मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। जल में खिलने वाले फूलों के नाम हो गए, एक कमल हो गया, एक वाटर लिली हो गया। पीले रंग के दो फूलों के नाम, एक गेंदे का और एक सूर्यमुखी का। कौन कौन से फूल खाने के काम आते हैं? गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ गुलकंद बना के खाने में, और जो कमल का फूल है उसके डंठल व पुष्पासन से सब्जी बनाने के काम आते हैं। तो फूल खाने के काम गुलाब का। किन किन फूलों के बीजों से तेल निकलता है? इसमें सूरजमुखी का फूल बताया है जिसके बीजों से तेल निकलता है। और किस फूल की पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है? गुलाब की फूल की पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है। आगे इन्होंने बताया है मधुमक्खी अच्छी है। मधुमक्खी आपने देखी है, मधुमक्खी कौन सी होती है? जिससे शहद बनता है। खुशी आगे बढ़ रही थी तभी एक मधुमक्खी ने उसके पास आकर कहा, खुशी तुम तितली के पीछे तो दौड़ दौड़ कर खेल रही थी, मेरे साथ भी खेलो ना। अरे भन भन की गुंजन करने वाली सखी, तुम कौन हो? खुशी ने मुस्कुराते हुए पूछा। खुशी आगे बढ़ रही थी कि तभी एक मधुमक्खी ने उसके पास आकर कहा, खुशी तुम तितली के पीछे तो भाग रही थी लेकिन अब तुम मेरे साथ खेलो। तो कह रहे हैं कि अरे भन भन की आवाज़ करने वाली सखी, तुम कौन हो? खुशी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि उसके बारे में पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने बताया कि मैं मधुमक्खी हूँ। मधुमक्खी यानी कि मैं शहद बनाती हूँ। और ये कैसे बनाती है शहद?
कहती है कि मैं फूलों का रस चूस चूस कर अपने पेट में बनी छोटी आंत थैली में भर लेती हूँ। मेरे पेट के इस रस से पतला शहद बनता है। तुमने मेरा छत्ता देखा होगा, ये देखो पेड़ की टहनियों पे मधुमक्खियों का छत्ता। हाँ, मेरे विद्यालय के पास बरगद के पेड़ पर एक बहुत बड़ा छत्ता है। मैं और अन्य मधुमक्खियाँ छत्ते से बने खानों में इस पतले शहद को उड़ेल देती हैं। हम इससे अपने भोजन के रूप में एकत्रित करते हैं। इसे गाढ़ा बनाने के लिए अपने पंखों से हवा करते हैं। हमें सभी खानों में शहद भरने में महीनों लग जाते हैं। अरे वाह मधुमक्खी बहन, तुम हमें मीठा शहद देती हो, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। बताया है मधुमक्खी के बारे में कि वो शहद बनाती है। वह फूलों के रस चूस चूस कर अपने पेट में एक छोटी थैली होती है उसको भर लेती है। फिर उस जो शायद वो जो थैली होती, जो रस होता है ना, वो पतला सा होता है। तो कहती कि तुमने मेरा छत्ता देखा ही होगा। कहते कि मधुमक्खी जो होते हैं वो छत्तों के बने खानों में इस पतले शहद को उड़ेल देती हैं। हम इसे अपने भोजन के रूप में, वो कहती कि हम तो इसे भोजन के रूप में एकत्रित करते हैं। इसे गाढ़ा बनाने के लिए अपने पंखों से हवा करते हैं। हमें सभी खानों में शहद भरने में कहती महीने लग जाते हैं। तो फिर खुशी उनसे कहती है, अरे वाह मधुमक्खी बहन, तुम तो हमें मीठा शहद देती हो, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। उसके पश्चात इन्होंने पूछा है, अगर फूल नहीं हो तो कीट पतंगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और आपने अपने आसपास मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा तो उसका चित्र बनाओ। तो ये चित्र ऊपर दिया है, आप इसमें मधुमक्खियों का छत्ते का चित्र आप बना सकते हो। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने फूलों से संबंधित जानकारी प्राप्त की। सबसे पहले गुलाब से कि उसका रंग गुलाबी होता है, वो खुशबू से भरपूर होता है। फिर सूरजमुखी से कि सूरजमुखी के फूल पीले रंग का होता है, वो सूरज की दिशा की ओर घूमता है, जिस जिस दिशा में सूरज घूमेगा उसी ओर उसका मुख घूमेगा। फिर हमने कमल के बारे में पढ़ा कि कमल जल में खिलने वाला फूल है। इसके पश्चात हमने मधुमक्खी के बारे में पढ़ा कि मधुमक्खी क्या करती है, हमारे लिए शहद बनाती है। वो शहद कैसे बनाती है? फूलों से रस चूसती है, उस रस को फिर वो अपने छत्ते में डालती है, वो रस पतला होता है, फिर पंखों के कहती हवा करके हम उस रस को जो है वो गाढ़ा बनाते हैं। और गाढ़ा बनाने के बाद जब वो इतना महीनों लग जाते हैं उस काम में, फिर वो शहद के रूप में हम उसको प्रयोग करते हैं। अपने घरों में आपने शहद तो देखा ही होगा। तो ये हमने आज इस पाठ में पढ़ा। इस पाठ से अपने संबंधित जितनी भी जानकारी हासिल किया उसको आप देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे। बाकी का पाठ हम अगले भाग में पढ़ेंगे। इतना पाठ आप अच्छी तरह समझ लीजिए। इसमें जो प्रश्न उत्तर आए हैं वो आपको अगली वीडियो में, जैसे ही पाठ पूरा होगा अगली वीडियो में ही ब्लैक बोर्ड पे वो प्रश्न आपको करवा दिए जाएंगे। तो आज का काम आपको इतना ही है कि आपको इस पाठ को पढ़ना है, समझना है और जानकारी प्राप्त करनी है। इसमें आपको फूलों से संबंधित जानकारी दी गई है, तो आपको ये जानकारी प्राप्त करनी है। फूलों के संबंधित उनका प्रयोग कैसे करते हैं, ये क्या चीज़ें उनसे बनती हैं, इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है। तो आप इस पाठ को बार बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।